नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला। आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज का बुलडोजर माफियाओं पर कहर बनकर टूट रहा है। मामा की एंटी माफिया टीम अपराधियों के अवैध कब्जों को ध्वस्त करने में लगी हुई है। माफिया विरोधी अभियान की इसी कड़ी में जबलपुर में पुलिस प्रशासन और निगम की टीम ने शमीम कबाड़ी के 2 कब्जों को बुलडोजर चलाकर मिट्टी में मिला दिया है। कबाड़ी ने पंचायत की जमीन पर कब्जा करके आलिशान मकान और गोदाम बना रखा था। वहीं चाटी गांव में अवैध तरीके से बनाए गए इसके 2 मंजिला मकान, दुकान और गोदाम को गिराकर ध्वस्त कर दिया गया है। यह कार्रवाई करके मामा की पुलिस ने पिपरिया गांव में 12 एकड़ की सरकारी जमीन को खाली कराया है। इस जमीन की कुल कीमत 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि शमीम कबाड़ी गोहलपुर थाने का निगरानी बदमाश है। इसके खिलाफ रेलवे स्क्रैप चोरी में 5 मामले दर्ज है। 2017 में एसटीएफ ने रेलवे स्क्रैप चोरी मामले में इस पर बड़ी कार्रवाई भी की थी। जानकारी के मुताबिक गोहलपुर के रहने वाले मोहम्मद शमीम उर्फ शमीम कबाड़ी ने पनागढ़ तहसील अंतर्गत खजरी पंचायत की सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर 1750 वर्ग फीट हिस्से में आलिशान मकान बना रखा था। उसने वहीं से थोड़ी दूरी पर 800 वर्ग फीट जमीन पर कब्जा करके एक गोदाम भी बना रखा था। दोनों ही कब्जों को संयुक्त हमले की अगुवाई में जेसीबी और पोकलेन मशीनों से ढहा दिया गया है। इसके बाद टीम ने चाटी गांव में नजर कबाड़ी के 2 मंजिला भवन का 886 वर्ग फीट में बने अवैध कब्जे को भी ध्वस्त किया है। हाई कोर्ट ने इसके अवैध कब्जे को ध्वस्त करने का आदेश दिया था, जिसके बाद प्रशासन की अगुवाई में यह कार्रवाई की गई है। सीएसपी गोहलपुर अखिलेश गौर ने बताया कि शमीम कबाड़ी स्क्रैप चोरी में कई बार पकड़ा जा चुका है। 2017 में एसटीएफ ने उसे रेलवे स्क्रैप मामले में गिरफ्तार भी किया था, लेकिन बीमारी का बहाना बनाकर वो छूट गया था। उसने कटरी मुडवारा रेलवे सेक्शन के बीच 1643 मीटर रेल लाइन की चोरी कर ली थी। इसके खिलाफ 2013 और 2015 में चोरी के ट्रक खरीदने का भी आरोप दर्ज है। ये कई दिनों से पुलिस की नजर में था, लेकिन अब पुलिस ने इसकी अवैध काली कमाई से बनाए गए साम्राज्य का अंत कर दिया है। वो माफियाओं पर लगातार इस तरह से कार्रवाई कर मामा ने भी साफ कर दिया है कि अब कुछ भी हो, प्रदेश में ऐसे माफियाओं का अंत होकर रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। खबर कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही खबर पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मध्य प्रदेश जुड़ी ऐसे ही खबरें देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़ एमपी। धन्यवाद।